लाइफ स्ट्रोक के बाद की लाइफ या स्ट्रोक पोस्ट स्ट्रोक रिहैबिलिटेशन जो है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिकवरी। एक तो स्ट्रोक को जल्दी पकड़ना ज़रूरी है ताकि आपके डैमेज को लिमिट किया जा सके, ब्रेन के डैमेज को, भले ही वो किसी भी टाइप का इस्केमिक या स्ट्रोक हो या कुछ हो। दूसरा, आपके स्ट्रोक का ट्रीटमेंट क्या हुआ उसके बाद, उसके ऊपर भी आपकी रिहैबिलिटेशन या आपके आफ्टर लाइफ बहुत डिपेंड करती है। सर्जिकल पेशेंट्स माइट टेक लॉन्गर, सम पेशेंट्स जिनको छोटा सा स्ट्रोक हुआ है दे माइट रिकवर अर्ली विद रेगुलर रिहैबिलिटेशन, एंड इट डिपेंड्स लार्जली ऑन कौन सा एरिया आपके स्ट्रोक में ब्रेन में डैमेज हुआ है। अगर छोटा सा एरिया डैमेज हुआ है तो चांसेस हैं कि जो आपको पैरालिसिस या वीकनेस या डेफिसिट्स आए हैं, बोलने की दिक्कत आई है, वो कुछ महीनों की फिजियोथेरेपी से पूरी तरह रिकवर हो सकती है या पार्शली रिकवर होकर आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, यू कैन गो बैक टू योर नॉर्मल वर्क ऑल्सो। बड़े स्ट्रोक्स हैं जिनमें काफ़ी बड़ा एरिया ब्रेन का डैमेज हो गया है या पेशेंट को पैरालिसिस हो गया है, वो अनफॉर्चुनेटली देयर विल बी डेफिसिट्स विच कैन स्टे विद द पेशेंट, तो वो पेशेंट के साथ रह जाते हैं। अब ऐसे में ये चीज़ हम बोलते हैं कि 6 या 7 महीने बाद आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, तो हम बोलते हैं कि दैट माइट स्टे विद यू। बट स्ट्रोक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, वंस पेशेंट इज सेव्ड एंड स्ट्रोक इज लिमिटेड और ट्रीटमेंट चालू हो गया, उसके बाद में फिजियोथेरेपी, रिहैबिलिटेशन, ऑक्यूपेशन थेरेपी, स्पीच थेरेपी, ये स्ट्रोक के पोस्ट रिहैबिलिटेशन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करता है कि आप कितने इंडिपेंडेंट हो पाएंगे या पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। सो वंस यू हैव अ स्ट्रोक या आपकी फैमिली में किसी को स्ट्रोक हुआ है तो यू शुड बी रेडी फॉर स्लाइटली लॉन्ग हॉल, लंबा पीरियड होता है, बट रिजल्ट्स आर रियली गुड इफ इट इज़ डिटेक्टेड अर्ली, ट्रीटेड इन टाइम एंड ट्रीटेड एट द राइट प्लेस।